क्या आपके भी घर में बच्चे यंग एज में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्करों में पड़े हैं क्या उनका ध्यान करियर में नहीं है तो दीपाली जी की इस बात को ध्यान से सुनिएगा और अपने बच्चों को भी सुनाइएगा ताकि वो अपनी डायरेक्शन को सही कर सके देखिए वेन अ पर्सन हिट्स पोबर्टी तो जैसे शरीर में कुछ बदलाव आते हैं हॉर्मोन्स चेंज होते हैं तो इसका इम्पेक्ट मन पे भी आता है तो आकर्षण होना अट्रैक्शन होना टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ पर्सन इट्स वेरी नॉर्मल होता है और अगर तुम किसी को ये बोलो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए सारे पेरेंट्स को यही चिंता होती है और वो करते भी हैं लेकिन कोई मानता है बिकॉज वो एट्रेक्शन का फोर्स आपने भी और हर यंग एज के लोग ने ये महसूस अपनी लाइफ में कभी ना कभी क्या होता है कि वो फोर्स एट्रैक्शन का इतना पावरफुल होता है कि उसके सामने सब ढह हो जाता है लेकिन इसमें एक तर्क और देते हैं आजकल के बच्चे वो मैं आपको बताता हूँ फिर आप बताइएगा कि जब हम बात करते हैं कि घर में कृष्ण भगवान की पूजा और ये कृष्ण भगवान की तो सोलह हजार रानियां थी हम एक भी नहीं बना सकते क्या? वो, उसको बाद में रखो, मैं उसका <laughs> अच्छा। वो रखो रखो इट्स क्वेश्चन स्पेशल रखना अभी इस पे फोकस करते हैं आप किसी को बोलो कि नहीं होना है वो काम नहीं करता hmm. वो अट्रैक्शन का फोर्स ही इतना पावरफुल होता है कि hmm. उसके सामने सारी मोरालिटी ढह हो जाती है एनर्जी hmm. वहां पे खर्च करो अपने इमोशन वहां पे खर्च करो जो वो व्यक्ति वो इंसान तुम्हें कहीं पहुंचा है hmm. अगर ये एक थम रोल आई गेस अगर आप अपनी लाइफ में इंकलकेट कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द विल बी सॉल्व